देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के बोलपुर में सीएम ममता बनर्जी का एक रोड शो चल रहा है। ये तस्वीरें सीधे वहीं से दिखा रहे हैं हम आपको। ममता बनर्जी के रोड शो की सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं। बोलपुर वो जगह जहां पर गृहमंत्री अमित शाह गए थे, एक लंबा रोड शो किया था। उन्होंने कहा था कि मैंने रोड शो बहुत किए लेकिन ऐसा रोड शो मैंने कहीं नहीं किया। यानी सीधे सीधे उन्होंने बताने की कोशिश की कि कैसे बंगाल की जनता बीजेपी को अब पसंद कर रही है। लेकिन अब उसी बोलपुर में पहुंची हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और टीएमसी का गढ़ माना जाता है ये बोलपुर। कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश कि बंगाल में बीजेपी जो कर रही है, टीएमसी के पास उस हर दांव की काट है। और ये रोड शो भी कैसा है, पैदल रोड शो है, यानी किसी गाड़ी पर नहीं सवार है ममता बनर्जी। उनकी जो अपनी स्टाइल है, चाहे वो कोलकाता में हो चाहे कोलकाता से बाहर हो, वो सड़क पर पैदल चलकर लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं। और वो वही तस्वीरें इस वक्त बोलपुर में दिखाई दे रही हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बोलपुर पश्चिम बंगाल की सियासत का एपिसेंटर बन चुका है। अभी इतना ही नहीं, अभी आपको 9 तारीख को भी यहाँ पर कुछ तस्वीरें ऐसी दिखाई देंगी, क्योंकि 9 तारीख को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर से पश्चिम बंगाल आ रहे हैं, और इस बार वो भी बोलपुर जाएंगे। बोलपुर जो कि टीएमसी का गढ़ माना जाता है, और यहाँ से जिस तरह से अमित शाह ने चुनौती दी ममता बनर्जी को, अब ममता बनर्जी उसका जवाब दे रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि जितनी भीड़ अमित शाह के रोड शो में आई थी, उससे कहीं ज़्यादा भीड़ यहाँ जुटने का टीएमसी के नेता दावा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के दांव को, हर दांव को यहाँ पर बेकार साबित करने की कोशिश में ममता बनर्जी। और देखिए यहाँ पर सुरक्षा की भी यहाँ पर व्यवस्था काफी की गई है। और पश्चिम बंगाल में क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर अचानक से सियासत के सेंटर में आ गए हैं, सियासत के केंद्र में आ गए हैं, और अब उन्हीं के पश्चिम बंगाल के बोलपुर में ही शांति निकेतन है, जहां पर रविशंकर हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं, और वो उसके बारे में बता भी रहे थे। कैसे, आप देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की यहाँ पर तस्वीर दिखाती हुई ममता बनर्जी, और कहीं ना कहीं बंगाली अस्मिता का मुद्दा इसको बनाती हुई। रविंद्रनाथ टैगोर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि बंगाली अस्मिता से बीजेपी खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कल ये बात कही कि बंगाल की रीढ़ की हड्डी, बंगाल की संस्कृति, बंगाल के कल्चर पर बीजेपी ने करारा वार किया है। और आपको याद होगा विश्व भारती यूनिवर्सिटी को लेकर जो विवाद चल रहा है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर जब खुद प्रधानमंत्री ने एक संबोधन वहां पर किया था, तो ममता बनर्जी उस सभा में शामिल नहीं हुई थी, और उसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ। वाइस चांसलर को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, अमर सेन को लेकर विवाद हुआ। अमर सेन ने एक चिट्ठी भी लिखी है पश्चिम बंगाल की विधानसभा के नाम। लेकिन अब ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि टीएमसी ने अब ये ठान लिया है कि बीजेपी को जवाब देने के लिए बंगाली अस्मिता का मुद्दा वो जोर शोर से उठाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर का मुद्दा वो जोर शोर से उठाएंगे, और बीजेपी को जवाब देने के लिए आप देखिए कैसे ममता बनर्जी आज सड़क पर उतरी हैं। बोलपुर में एक करीब 3.5 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रही हैं, और रोड शो के जरिए जवाब देने की कोशिश कर रही हैं। आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आप दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के बोलपुर से, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल का बोलपुर जो कभी लेफ्ट पार्टियों का गढ़ माना जाता था, और उसके बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बड़ा बदलाव आया, और पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियों को यहाँ रिप्लेस करते हुए टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की सियासत में अपना झंडा गाड़ा। पश्चिम बंगाल की सियासत में टीएमसी एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और अब जब बीजेपी उस पार्टी को चुनौती दे रही है, अब जब बीजेपी उस मजबूती को चुनौती दे रही है, तो कैसे यहाँ पर ममता बनर्जी अपना गढ़ बचाने के लिए, अपना किला बचाने के लिए सड़क पर उतरी हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बोलपुर में दिल्ली का दीदी का जो आगाज़ है, उसकी आवाज़ दिल्ली तक सुनाने की कोशिश की जा रही है, और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है, ये दावा किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेताओं की तरफ से कि जितनी भीड़ इसमें आ रही है, उतनी भीड़ पश्चिम बंगाल में जब खुद दौरे पर आए थे गृहमंत्री अमित शाह, और जब बोलपुर में उन्होंने रोड शो किया था, तब भी इतनी भीड़ वहां नहीं आई थी। और हम वहां से हमारे संवाददाता को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप वहां आंखों देखा हाल, वो बताएंगे आपको कि वहां इस वक्त फिलहाल क्या चल रहा है,
किस तरह से वहां पर इस रोड शो में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि जब अमित शाह का रोड शो हुआ था तो टीएमसी ने यह आरोप भी लगा दिया था कि ये बाहर से जुटाई हुई भीड़ है। उन्होंने आरोप लगा दिया था कि इसमें लोकल लोग नहीं हैं। अब रविशंकर दत्ता हमें स्क्रीन पर दिखने लग गए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। रविशंकर, बड़ी हलचल दिख रही है वहाँ पर, ममता बनर्जी दिख रही हैं, उनके हाथ में हमने रविंद्रनाथ टैगोर की फोटो भी देखी, वो बताइए, आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो बताइए इस वक्त वहाँ क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, पहले मैं तो दिखाना चाहूँगा आपको, सबसे पहले के लोगों का भीड़ देखिए। ममता बनर्जी रैली को लीड कर रहे हैं, ना कोई गाड़ी है ना कोई टेम्पो है जिसमें, जैसे कि अमित शाह चल रहे थे वो चल के जा रहे हैं अपना ढंग पे, ममता बनर्जी यहाँ पे चल के आ रही है। और आप देख सकते हैं लोगों का उत्साह, लोगों का भीड़। ये अनुब्रत मंडल ने ये बार बार कहा था कि कोई भी आदमी पश्चिम बंगाल के ये बीरभूम जिला के बाहर से नहीं आएंगे, तो माना अगर ये जाए कि ये जिला के अंदर से लोग हैं, तो जिस तरीके से जिस कदर से सपोर्ट यहाँ पे किया जा रहा है ममता बनर्जी को, सीधा सीधा कहीं पे बीजेपी को चुनौती दिया जा रहा है, क्योंकि ये जगह पे अमित शाह ने रैली किए थे, क्योंकि इसी जगह पे जेपी नड्डा अपना रैली करने वाले हैं, तो यहाँ पे कहीं पे आशीष बनर्जी हमारा मिनिस्टर यहाँ पे है। आशीष सर, ये बताइए किस तरह यहाँ पे रैली हो रहा है, क्या कैसा लग रहा है? आरआई लख का पार हो गया, आरआई लख पार हो गया। देखिए, मिनिस्टर का खुद का ये कहना है कि आरआई लख से ज़्यादा लोग यहाँ पे पार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जहाँ अमित शाह की रैली खत्म हुई थी, बिल्कुल इसी जगह पे, यही जगह है वो जहाँ पे संबोधन कर रहे थे लोगों को, लेकिन आज यहाँ से रैली आगे जाने वाले हैं, 3-4 किलोमीटर से आगे रैली चले जाएगी। और सबसे बड़ी बात है लोगों का उत्साह यहाँ पे देखिए, लोग मतलब जो बार बार कहा जा रहा था कि अमित शाह जो रैली कर रहे हैं उसका अगर जवाबी कोई रैली होता है तो तृणमूल बहुत सारा लोग लाने की कोशिश करेंगे। चुनाव का जो सबसे बड़ा जो इसका कहा जा रहा था, बोलपुर एपिसेंटर बन गया है। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल में अगर कोई चुनाव होते हैं तो कोलकाता एपिसेंटर रहता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कश्मकश रहता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे लड़ाई रहती है। लेकिन इस बार शायद दूसरी चीज़ हो रहा है, बोलपुर एपिसेंटर बन चुका है, क्योंकि बोलपुर जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का माना जाता है एक पीठ स्थान है, यहाँ पे शांति निकेतन है, बोलपुर वो जगह है जो बंगाली के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। बार बार ममता बनर्जी ये कह रहे थे बाहर से लोग आ रहे हैं, वो बहिरागत है, क्यों ये कह रहे थे, उसका जवाब देने के लिए आज ममता बनर्जी के साथ जो बाउल सिंगर्स है, फोक जो ढाकी है, जो यहाँ पे हरी नाम करने वाले हैं, वो आज जुड़ चुके हैं। बंगाल का जो कल्चर है वो ममता बनर्जी कहीं पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ममता बनर्जी यहाँ पे चल के आ रही है, लोग जो यहाँ पे हैं ये सारे लोग लोकल्स हैं, यहाँ पे ये खड़े हो गए रास्ते पे और ये कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी से एक बार हाथ मिला जाए, या तो ठीक है रविशंकर, वो तस्वीरें आप दिखाते रहिए। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार दीपक दीवान जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करते हैं। दीपक जी, देखिए तस्वीरें जो आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कैसे ममता बनर्जी ने पूरे ताकत के साथ बीजेपी को जवाब देने की कोशिश की है, और उसी बोलपुर में जहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह ने उनको ललकारा था, उसी बोलपुर में जहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या और इसके अलावा टीएमसी के साथ जो आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो हिंसा होती रहती है उसको लेकर, बंगाल के विकास को लेकर उन्होंने सीधे सीधे ममता बनर्जी पर निशाना साधा था, ये क्या ममता बनर्जी का जवाब माने बीजेपी को, माने कि या टीएमसी अपना गढ़ बचाने के लिए कोशिश कर रही है उसके तहत? देखिए ये तो हमें मानना पड़ेगा कि वहां पर जो इलेक्शन होने जाएगा वो लड़ाई जो है वो सीधी सीधी टीएमसी और बीजेपी के बीच में है, और ममता बनर्जी के लिए वो सिचुएशन है डू और डाई, करो या मरो, क्योंकि उसके लिए सिर्फ वेस्ट बंगाल ही उनका एक घर है, कोई ये दूसरी पार्टी नहीं है, कांग्रेस या बीजेपी जो या कोई और पार्टी जिसका एक स्टेट में हार जाए तो दूसरी स्टेट में जा सकते हैं, ममता के पास इसके बाद कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। इसलिए वो उसने पूरी, जहां जहां अमित शाह जाएंगे ये वहां जाएंगी, जो जो वो बोलेंगे उसका ये विरोध करेंगी, और इसीलिए ये पार्टी भी इसी ये जो रैली हो रही है वहीं पे हो रही है दिखाने के लिए कि सिर्फ बीजेपी नहीं, हम भी हैं इसमें मैदान में और हम इसका मुकाबला कर रहे हैं। और जहां तक ये सब जो बोल्ड सिंगर्स को लाना, ये लाना, ये तो वो लोगों को लुभाने की बात है कि ये हम बंगालियों के साथ हैं, ये ममता बनर्जी का शुरू से ही रहा है स्टैंड, और वो शुरू से ही एंटी सेंटर स्टैंड लेती आई हैं। जब भी कुछ
जैसे किसानों के भी आप ले लीजिए इशू, जो किसानों को राशि पूरे हिंदुस्तान में मिल रही है, इन्होंने मना कर दिया कि जी हमें नहीं चाहिए, हम क्योंकि वो नहीं चाहते कि डायरेक्टली सेंटर से किसानों को कुछ फायदा हो, वो चाहती हैं कि जो भी हो स्टेट गवर्नमेंट से हम देंगे तो अपना वो रहेगा कि जी मैं कर रही हूँ, बंगाल की चीफ मिनिस्टर हूँ और बंगालियों के लिए मैं एक प्रयोग कर रही हूँ। तो ये इस तरह का विरोध ये रैलियां और उतना ही नहीं, दीपक जी क्या इस बात को इस वजह इस तरह से और ना देखें कि ममता बनर्जी या टीएमसी ने ठान लिया है कि पूरे इस नैरेटिव में बंगाल की अस्मिता, बंगाली लोगों का कल्चर, इसको और बाहरी वर्सेज भीतरी की लड़ाई बना दें इसको। वो कह रही है कि बंगाल की रीढ़ की हड्डी, स्वाभिमान और इतिहास को तोड़ने का प्रयास कर रही है बीजेपी। फिर आज शांति निकेतन के पास बोलपुर में जहां रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की, वहां पर इस तरह का पैदल मार्च, पूरी तरह से कहीं ना कहीं बंगाली अस्मिता का मुद्दा बना रही है इस चुनाव को। बिल्कुल वो बनाएंगी, इसके अलावा उनके पास क्या और चुनावी मुद्दा है? डेवलपमेंट नाम पे उनके पास कुछ नहीं है। इंडस्ट्री देखिए वहां ऑलमोस्ट खत्म हो गई, सिंगूर का विरोध जो हुआ वो विरोध करके क्या फायदा हुआ? वेस्ट बंगाल में जो इन्वेस्टमेंट आनी थी वो नहीं आई, तो इनके पास और मुद्दा क्या है? या तो वो इन्होंने देखिए 2011 में जब ये आई थी तो इन्होंने ये मुद्दा था इनके पास कि जी हम पॉलिटिकल हिंसा खत्म करेंगे वेस्ट बंगाल में, जो लेफ्ट का रूल था उसके बोला कि वेस्ट ये हिंसा करते हैं, हम हिंसा खत्म करेंगे। आज देखिए वही हिंसा हो रही है वहां पे, ये सेम बात हो रही है दोबारा। देखिए जैसे लेफ्ट की सरकार ने सरकार चलाई थी वहां पे कि जो कुछ भी कॉमन आदमी को बेनिफिट मिलता था, कोई स्कीम मिलती थी, उसके लिए पार्टी का वर्कर साथ में जाता था और उस ये किया जाता था, कहा जाता था कि जी हमारे पार्टी वर्कर ने आपके लिए ये काम किया। वही की वही बात आपको याद होगा, टीएमसी के भी सपोर्टर वही कर रहे थे। जब बीच में बात आई थी कट मनी ली जा रही थी, जो भी वेलफेयर स्कीम के लिए या राशन कार्ड लेने के लिए, आधार लेने के लिए लोगों को ये इनके वर्कर्स लेके जाते थे, वो जिससे उनको कुछ फायदा मिलता था पेंशन पेपर या कुछ भी करने का, उसका ये लोग कट मनी लेते थे। काफी लोगों ने इसका विरोध किया, प्रोटेस्ट भी हुआ, प्रोटेस्ट भी हुए, ये भूलना नहीं चाहिए। तो ममता बनर्जी के पास और कोई मुद्दा नहीं है। सीएए का इन्होंने विरोध किया, इन्होंने एक समुदाय को दूसरे समुदाय के अगेंस्ट पोलराइजेशन भी किया, ये तो खुली बात है कि इन्होंने मुस्लिम का सपोर्ट किया, जैसे लोगों को इमाम को सैलरी देना या जो अजान भी पढ़ते हैं उनको भी सैलरी देना शुरू किया इन्होंने। तो इस तरह की राजनीति इन्होंने खेली है, बिकॉज इनके अलावा इनके तो आपको क्या लगता है, ये माने कि ये कहीं ना कहीं मुद्दा बीजेपी के लिए एक चुनौती भरा होगा? जिस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर की फोटो को हाथ में लेकर वहां बोलपुर में पैदल मार्च कर रही है ममता बनर्जी, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसकी काट ढूंढना, क्योंकि डेवलपमेंट के मुद्दे पर तो बीजेपी बहुत अच्छी पिच पर खेल सकती है, अगर बात यहां पर पोलराइजेशन की हो तो भी बीजेपी को सूट करता है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाली अस्मिता, क्या इसका जवाब ढूंढना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए ऐसा है, जो आम वोटर है, जो आप अनपढ़ इलिटरेट रूरल वोटर्स की बात करें, मे बी उसमें थोड़ा इसका प्रभाव पड़ सकता है, मगर जो एजुकेटेड लोग हैं वो सब इस पर इन चीजों से उनपे फर्क नहीं पड़ता। ग्राउंड रियलिटी पे आप जाएं तो बीजेपी वहां पे जिस हिसाब से इलेक्शन लड़ने जा रही है, ऐसा लगता है कि जो त्रिपुरा में जैसे इन्होंने स्टेट में इलेक्शन लड़ा था, अपने आप को प्रोजेक्ट किया था एज अ ऑल्टरनेटिव टू लेफ्ट फ्रंट और अदर पार्टीज, वही बात अब यह वेस्ट बंगाल में होगी। अब वो देखते हैं कि बीजेपी क्या त्रिपुरा वाला इलेक्शन रिजल्ट यहाँ पूरा ला पाएंगी या सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, ये अभी डिपेंड करता है। और अभी देखिए 4-5 महीने हैं, तो सिचुएशन विल चेंज और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 4-5 महीनों में अभी बहुत पानी बहना बाकी है हुगली नदी में, और उसके बाद देखने को मिलेगा कि क्या होता है पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में। लेकिन एक बात तय है कि लड़ाई बड़ी टफ होती जा रही है ममता बनर्जी के लिए, और उनके लिए ये करो या मरो की लड़ाई जैसा बनता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में करिश्मा दिखाया वो बहुत कॉन्फिडेंट है, और वो हर तरह से ममता बनर्जी पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ममता बनर्जी को हटाया जाए। लेकिन इस बीच एक बार फिर से बोलपुर चलेंगे, रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता वहीं से जुड़े हुए हैं। रविशंकर, देखिए यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ममता बनर्जी को लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये लड़ाई उनके लिए काफ़ी टफ है। सीपीएम और कांग्रेस अगर उनके सामने होते, वो परंपरागत उनके सामने अगर
कॉम्पिटिटर्स होते तो उनके लिए लड़ाई आसान होती, लेकिन बीजेपी ने इस लड़ाई को टफ बना दिया है और वो कहीं ना कहीं इस रोड शो में दिख रहा है। देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, शायद ये खेल के भाषा में अच्छा लगे आपको सुनने में, हर फुटबॉल जब होता है, कोई फुटबॉल का जो मुकाबला होता है, एक टीम अटैकिंग रहता है, एक टीम डिफेंडेंट रहता है। यहाँ ममता बनर्जी की टीम डिफेंडेंट है और हमेशा कोई घर को डिफेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बीजेपी जो अटैकिंग मोड में है उनको कुछ लॉस नहीं है, अगर वो जीतते हैं तो फायदा है लेकिन उनको कोई लॉस नहीं है। ममता बनर्जी अगर हारते हैं तो उनको सरकार लॉस करना पड़ेगा, सरकार हाथ से चली जाएगी। तो ममता बनर्जी को जो है अपना घर बचाने के लिए हर एक वो पैतरा, हर एक वो तरीका, हर एक वो चीज़ करना पड़ेगा जिसके चलते उनका घर बचे, और वो कर भी रही है, कोशिश भी कर रही है। बीजेपी भी ये कोशिश कर रहा है कि ममता बनर्जी का हर एक कोई कोशिश जो है उसको नकारा जाए, उसका विरोध किया जाए, वो जो प्रकल्प ले रहे हैं उसका क्या सच है क्या झूठ है लोगों के सामने लाया जाए। और इस कदर ममता बनर्जी भी इस तरफ तैयारी में है और कर रही है, हर जगह एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग करना, दो हाथ से लोगों के लिए खुलेआम प्रकल्प घोषणा करना, जिसके चलते लोगों का, आम लोगों को जो है कहीं पे उनको थोड़ा बहुत राहत मिले। लेकिन ममता बनर्जी के नीचे जो जो फील्ड है, ममता बनर्जी के नीचे जो लोग हैं, करप्शन उस लेवल पे है, ये बीजेपी का आरोप लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी आज जो चल रही है यहाँ से, ये जो लोग आप देख रहे हैं ये सपोर्टर्स हो सकते हैं, ये बाहर से आए वाला लोग हो सकता है, लेकिन बीजेपी को आज चुनौती देने के लिए ममता बनर्जी ये रास्ते पे जो चल रही है आज यहाँ से, ये तो प्रमाण हो जाता है, ये तो साबित हो जाते हैं कि ममता बनर्जी आने वाले 2021 के चुनाव में या तो फिर कोलकाता कॉर्पोरेशन इलेक्शन में कोई भी ज़मीन बीजेपी को ऐसे हस्ता से छोड़ नहीं देगी। ना तो ये उसका आदत में है, ना वो ऐसे कभी किया है। तो जब 34 साल का बाम सरकार को हटाने के लिए जो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी उससे ये लड़ाई, मुझे नहीं लगता उससे ये लड़ाई बड़ी है, क्योंकि वो 34 साल का एक एक झंडा को गिराना और अपना झंडा को लहराना वो बहुत बड़ा चैलेंज था, जो 2001 साल में ममता बनर्जी ने फेल कर दिया था। तो 11 साल लग गए उनको ये पूरा ये जो मौका है यहाँ पहुँचने में। तो आज जब आप ये लोग को देख रहे हैं जो यहाँ पे खड़े हैं, लोग ये देख रहे हैं, ये उनका सपोर्टर्स है, लेकिन इस बार चुनौती है कि बीजेपी का जो आक्रमण है उसको कैसे रोका जाए। 2016 साल में तो उन्होंने रोक लिया था, बीजेपी का सीट भरे थे लोकसभा में, बीजेपी का सीट भरे हैं, उस हिसाब से देखें तो विधानसभा में 126 सीट बीजेपी को मिलना चाहिए अभी का हिसाब से, अभी जो लोकसभा का हिसाब है उससे। लेकिन इसका आगे बीजेपी कितना जाएगा या तो ममता बनर्जी को कितना नीचे आना पड़ेगा, सरकार कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हंगअप सिचुएशन होगा कि नहीं या तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगा कि नहीं। ठीक है रविशंकर, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जब आई थी तब उनको वाम दलों का शासन हटाना था, लेकिन आज उनको अपना शासन बचाना है और डिफेंड करने में ममता बनर्जी कामयाब होती नहीं होती हैं ये देखना होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।